that the wife, Jamil wife, poor Parshad, lovely Qureshi, Parshad, like a Qureshi, Mera dil dost samjhe piya, Mother wife, Parshad naam, नहीं ये जो स्वागत के लिए रखे थे मैंने इनसे परचेस की थी मैंने मुझे दे दो रईस भाई मदर भाई रशीद चांद साहब अजब भाई परवेज भाई फाहद भाई शावर भाई नईम भाई आरिफ भाई गुटू भाई पप्पू भाई शरद भाई फाजिल भाई अदनान मियाँ बहू नदीम जीत साहब ये सब ने स्वागत करने की तैयारी करी थी मैं आप सबका स्वागत करता हूँ गुड्डू भाई और जुनेद भाई आप दोनों का भी हालांकि आपसे लड़ाई होगी अभी मेरी लेकिन आपका स्वागत करता हूँ हमारे बुजुर्ग बेटे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप सबने मुझे 5 साल पहले मौका दिया था अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ 5 साल पूरी ईमानदारी से ये कोशिश करी कि अल्लाह वो हक अदा करा दे जो आप लोगों ने हमसे सोचा अब थोड़ा सा एक नज़रिए का ज़रूर फ़र्क है कुछ लोगों ने ये सोचा होगा कि शायद नाली और सड़क तक की आरिफ मसूद से काम लेना कुछ बुजुर्ग हैं उनका नज़रिया मिली और कौमी रहा जिन्होंने सूबे तक के लिए सोचा कि आरिफ से आगे भी काम लेना है कुछ लोगों का अपना नज़रिया होगा लेकिन मेरा नज़रिया इसमें बड़ा साफ था कि मुझे खिदमत करना है और सबके लिए करना है और मैंने पूरी विधानसभा में ये कोशिश करी एक जैसा काम करा जाए पहले मौके मिले भोपाल ने अकलियत की और मुसलमानों की कयादत बराबर दी शाकिर अली साहब को भी कयादत दी अल्लाह अफ़्शे हमारे बड़े जिसके आपने बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहता हूँ और उनके लिए हमेशा मफ़रत की दुआ करता हूँ रसूल अहमद सिद्दीकी साहब जिनकी खिदमात भोपाल के लिए ऐसी है कि जिसको गिनाया नहीं जा सकता लेकिन इन सब बड़ों के दौर में और मेरे दौर में एक फर्क मिला जब इन लोगों को आपने मौका दिया जहीद भाई या जब भाई आप लोग जब सब बुजुर्ग थे नहीं भाई तब उस दौर में पूरे हिंदुस्तान में ताज्जुब का माहौल ये नहीं ये तो सच्चाई और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार होती थी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती थी नगर निगम अध्यक्ष कांग्रेस का होता था महापौर कांग्रेस का होता था गवर्नर कांग्रेस का होता था ये सच्चाई मेरे दौर में जब काम का वक्त आया तो उस दौर में अकेला मैं मिला यहां से वहां तक सब साफ था सारे बीजेपी वाले और ताज्जुब नफरत इतनी थी कि अधिकारियों को कहने की जरूरत नहीं है कि इनका काम रोकना या इनका नहीं करना नाम देखकर ही काम रोक दिया जाता नाम देखकर इलाकों में काम रोक दिए जाते अप्रूव फाइलें रोक दी जाती जो पॉलिसी बन रही होती है वो पॉलिसी रोक दी जाती इससे किसको फायदा होने वाला है अगर इसका फायदा किसी मिल्ली जमात को होने वाला है तो इसको रोक दिया जाए इस पैमाने पे नफरत चली गई उस वक्त में मुझे मौका मिला लेकिन हिम्मत जज्बा जुनून और बड़े उलेमाओं की तरबियत उनकी शफ़क़त उनकी मोहब्बत और उनका के साथ बैठकर जो सीखा हुआ तजुर्बा था उसकी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकता हूँ कि इस हालात में भी मैंने आप लोगों को शर्मसार नहीं होने दिया जिसकी मिसाल जिसका जिक्र जहीद भाई ने करा जब जमात के ऊपर बात आई तो हमारे अपने भी मुसलमान भाइयों को भी मैंने भी सुना है और आप लोगों ने भी सुना होगा डर और दहशत का माहौल ये पैदा कर दिया था कि दूसरे से कहने लगे थे हम जमात वाले नहीं उस दौर में आपका बनाया हुआ नुमाइंदा ईमानदारी से चिल्लाकर टीवी पर कह रहा था कि हां मैं जमात का हूं जमात वालों के साथ यह हिम्मत ताकत और जुर्रत दिखाने का काम सिर्फ आरिफ मसूद ने कहा और उसके बाद जो मैंने आपसे कहा कि आपको शर्मसार नहीं होने दिया तो पूरे भोपाल के एक एक इलाके के एक एक जमात वाले को जो
भोपाल से बाहर दिल्ली में थे या इलाकों में थे, उनको उसी दौरान पहले लॉकडाउन में गाड़ियां मुहैया कराकर उनके घर तक पहुंचाने का काम बिना एक रुपए खर्च करे आरिफ मसूद ने कर, यहां से भेजने का काम भी करा। हिंदुस्तान के एक एक कोने की जमात जो भोपाल और मध्य प्रदेश में घूम रही थी उनको सबको इकट्ठा कर उनके लिए गाड़ियों का भी इंतजाम करा और उसी दौरान उनको अपने मुकाम तक पहुंचाने का काम करा। रोड का भी हाल ये था उस दौरान कि एक हैदराबाद की जमात थी, हैदराबाद से आगे की, तो ड्राइवर ने ये कहा कि साहब 2 से 2.5 दिन लगे। 1.5 दिन के अंदर वो जमात अपने मुकाम तक पहुंच गई और बॉर्डर के ऊपर जब हैदराबाद के आगे जाकर रोका गया तो ड्राइवर का फोन मेरे पास आया। मैं बड़ा चक्कर में पड़ गया कि ये लोग तो कह रहे थे कि 2.5 दिन का सवार है, ये कह रहा मैं हैदराबाद पहुंच गया। मैं क्या बात करते हो यार, कहता हाँ साहब यहाँ काउंटर को रोक लिया है, ये टोल टैक्स आगे जाने नहीं दे रहे। तो मैंने कहा कि रुक जाओ मेरी बात करा। फिर तो मैंने वहाँ के अधिकारी से बात करी और वहाँ का लाइसेंस दिलवाया और यहाँ के कलेक्टर से बात कराई और वो जमात के मुकाम पर पहुंचे। बताने का ये मकसद है इस बातों का, एहसान गिनाना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ना समझी नादानी में उन जमातों की मजबूती के लिए, अपने मफाद के लिए, जाति रिश्तों के लिए हलो हाय करने पर तैयार है जो हमें खुला दुश्मन कहते हैं और हमारे मजहब को खुला दुश्मन कहते हैं। अगर उनसे हम चाय नाश्ते का रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे तो मुझे तकलीफ होगी, क्योंकि जिसका बुनियादी उसूल, जिस जमात का, जिसमें रहने वालों का खुला बुनियादी ऐलान हो कि हम आपके खिलाफ हैं, तो फिर हमारा कैसा रिश्ता बना। क्योंकि हमारी सीरत, हमारे साहबा इकराम की जिंदगी तो साथ थी, साहबा इकराम को भी ऐश और आराम मिल जाते, नबी के दौर में अल्लाह के रसूल जो चाहते वो हो जाता, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कुर्बानियां देने को अपना फर्ज समझा और मशक्कत का काम अपने हाथ में लिया। साहबा इकराम ने मशक्कत का हाथ थाम लिया, उन्होंने फूलों पे चलना पसंद नहीं करा। अगर वो चाहते तो बहुत छोटे से जुमलों में यहूदियों से कुछ भी कह देते और मामला बच जाता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुसलमान मुनाफिक नहीं हो सकता, मुनाफिकत की शक्ल हमारे बीच आ ही नहीं सकती, और जब मुनाफिकत की शक्ल नहीं आ सकती तो ऐसी जमात से, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। वही किरदार हमने सीखा है, हमें भी 50 मौके आए, 50 बार हालात बने, हमने कभी भी ऐसे लोगों से हाथ मिलाना मुनासिब ही नहीं समझा। जाति रिश्ते हमारे भी अच्छे से बात करते हैं, दोस्ताना बात करते हैं, कोई स्कूल कॉलेज से पढ़ के गया है, लेकिन हमने एक दायरा महदूद कर दिया। हमारी ऐलान खुली लड़ाई है इनसे, हमने अपने आप को महदूद कर दिया। हमने कोई ऐसा रिश्ता नहीं पाला कि अपनी तकरीबों में इनको बुलाकर बिठा लिया हो और ये कहा हो जब इनसे मिलने, और उस दौर में तो फिर भी अलग बात थी, आज का दौर तो किसी हालात से नहीं बचा, क्योंकि हमने अपनी आंखों से सड़कों के ऊपर आज भी अपने लोगों को जानवरों की तरह पिटते हुए देखा। इंसानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर बेरहमी से मारा गया है, या की सच्चाई, हमारे घरों पे बुलडोजर से इसलिए चला दिए गए कि हम अकलियत से वास्ता रखते हैं। तो जब पूरी जमात इस तरह का काम कर रही हो तो किसी एक शख्स के लिए हम कैसे बातचीत का रास्ता खोल सकते हैं? कतई नहीं खोलना चाहिए, हम इसलिए नहीं खोलना चाहिए कि हमारे साथ इस हालात में जो मदद करने वाले बिरादरान वतन हिंदू भाई हैं वो हमसे सवाल कर, जब हमारे अकलियतों के और मुसलमानों के घर पे बीजेपी के नेता दिखते हैं या उनसे जुड़ा आदमी आता है, तो जो हमारे साथ चलना हिंदू भाई होता है वो सवाल खड़ा करता है, उसका सवाल बड़ा वाजिब होता है। जैसा जब मध्य प्रदेश के सूबे में बुलडोजर चल रहे थे, लोगों की मारकाट हो रही थी, तो आपने हमें आवाज दी थी हम आपके साथ इस सरकार के खिलाफ अकलियतों को, इंसाफ परस्तों को, मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए आपके साथ धरने पर बैठे थे। अब आज उस जमात के ऐसे खुले दहशत गर्दों को आपके लोग बुलाकर इस तरह इस्तकबाल करते हैं, इस पे क्या जवाब है? तो मेरे पास जवाब नहीं होता, मेरा सर शर्म से झुक जाता, मैं जवाब नहीं दे पाता हूं। बात सच है
उनका कहना सच है, उनका गुस्सा लाजिम है कि वो हमारे लिए उनसे गाली खा रहे हैं, वो हमारे लिए उनसे लड़ रहे हैं। अगर ऐसे वक्त में हम उनकी कदर नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो हमें कोशिश करना चाहिए जैसे नाजुक वक्त में जहां खुद मुस्तैद रहें वहीं दूसरे लोगों को मुस्तैद करने की कोशिश करें, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करें। मैं बुजुर्गों से कहूंगा, मोहल्ले के बड़े लोगों से कहूंगा, मेरी माँ बहनें आवाज सुन रही है, मैं आपसे कहूंगा कि ये हालात में मैंने अपनी जान की परवाह नहीं करी, सारे राम मध्य प्रदेश घूमता फिरा, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, मेरा काम से विधानसभा में करना होता तो बहुत आसान होता, लेकिन मुझे इल्म था कि मेरे बड़ों ने जिस मकसद से मुझे तैयार कराए उसमें मुझे मध्य प्रदेश के सूबे में हर मजलूम के पास पहुंचने की कोशिश करना है। तो मैं अपनी जान हथेली पर लेकर घूमता रहा इस बात के ऊपर कि मेरे पीछे खड़ी ताकत जो अल्लाह ने करी है वो आप लोग, वो आप लोग, मुझे यकीन देता, मुझे यकीन देता है कि जब आपके हाथ अल्लाह की बारगाह में उठते हैं तो आपको आरिफ मसूद याद आता है, आपके उठे हुए हाथों की ताकत की बुनियाद पर मैं अल्लाह को राजी करने की कोशिश भी करता हूँ और आपके लिए भी करता हूँ। तो अब ऐसे हालात में जब आपकी जरूरत मुझे ज्यादा है तब आपको मेरा काम संभालना चाहिए, मेरा साथ मदद के साथ आगे आना चाहिए और मुझे ताकत और हौसला देना चाहिए कि इस वक्त तुम्हें फिक्र नहीं करना चाहिए, हम सब तुम्हारे साथ हैं और मुत्तहिद होकर करेंगे। और मोहल्ले में से नफरत वालों को, इस तरह के बदनुमा दाग वालों को हम किसी हाल में कतई कोई जगह पनाह नहीं देंगे। ये अहद हमको और आपको लेना चाहिए, इसलिए लेना चाहिए कि जो बातें मैंने कही हैं वो गलत नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जुल्म देखें, दंगे फसाद देखें, और आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के एक कोने में जो फिजा बदली है उस बदली हुई फिजा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हमारी सरकार 15 महीने रही, अगर ज्यादा दिन रह जाती तो इंशाल्लाह आपको और काम है, ये उल्टे हाथ से अस्पताल टूट कर बन रहा है, ये अस्पताल चला गया कि सिर्फ आपके नुमाइंदे की देन है जो पहली बार मध्य प्रदेश में एक जिले में दो जिला अस्पताल बन रहे हैं, ये सामने जिला अस्पताल बन के जो खड़ा हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आपके बनाए हुए नुमाइंदे आरिफ मसूद की देन है, बीजेपी की नहीं। और उनकी सरकार में लेकर आया हूँ, उनकी सरकार में लेकर आया हूँ, और इसलिए हिम्मत नहीं हुई कि मुख्यमंत्री जी 6 बार रवि चतुर्थी से आना चाह रहे हैं, मैंने कहा मैं देखता हूँ आए तो जिस दिन आएंगे और मुझे पुनः विलाए आएंगे तो यहीं पे सामने खड़ा होऊंगा और वो लेकर होगा कि शिवराज सिंह जब तुम्हें होश भी नहीं था तब मैंने ये लेटर पर आर्डर करा लिया था कि यहाँ पे जिला अस्पताल बनेगा और 100 करोड़ रुपए सेंशन होंगे। जब आप नहीं दे सकते थे, लिखा पड़ा था विधानसभा का था, क्या झूठ बोलते। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अब आप लोग अपनी जिम्मेदारी संभालें, नौजवान संभालें, कोई छोटी छोटी बात में मुझसे हो सकता है नाराजगी भी होगी, किसी को छोटी शिकायत हो गई होगी, लेकिन शिकायत छोटी होगी। आपके इलाकों में आज पहली बार नहीं आया, बनने के बाद 4-5 बार यहाँ से गलियों से निकल गया, तो अगर कोई छोटी शिकायत है तो उसको लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये तय करिएगा कि ये वक्त नाजुक है, मध्य प्रदेश का एक एक शख्स हमारी और आपकी तरफ देख रहा है, और एक बड़ा सवाल है आपके सामने कि जिस आदमी ने आपकी नुमाइंदगी और आपकी दी हुई तमाम चीजों को विधानसभा से लेकर सड़क तक पीछे न लाओ, अब उसको उसके मुस्तकबिल को उसके सियासी किरदार को बचाने का काम आप लोगों का है, ये जिम्मा आज से आपको लेना पड़ेगा और आप ही लोगों को काम करना पड़ेगा। आप सबने बहुत वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, लेकिन इस उम्मीद के साथ रवाना होगा कि अब अगली बार आप मुझे जो मोहब्बत दी थी उसमें इजाफा करेंगे, उसमें बढ़ाने का काम करेंगे, और हर शख्स जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि जुमे को मतदान होगा, जिस दिन तारीख 17 है जुमा है, तो आप कोशिश करेंगे कि जुमे के दिन दिल भी फारिग होकर इंशाल्लाह जुमे की नमाज से पहले वोट से भी फारिग होकर अल्लाह की बारगाह में कामयाबी के हाथ उठाएंगे कि अल्लाह हमें कामयाब करना, हम लोगों को हौसला देना, हिम्मत देना, और बकिया जो रहेगा काम है वो पूरा कराने का मौका देना। अच्छे भाई शायद साइड से दिख रहे हैं, नहीं घर है, अच्छे भाई का नाम नहीं ले पाया था मेरे बड़े परवेज मियां तो बैठे, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका शुक्रिया, खुदा हाफिज़। तूफान आएंगे कभी जलजले तो कभी तूफान आएंगे, आए कोई आता आपके बीच में आ रहे मसूद आएंगे। अब मैं चाहता हूँ मेरे बड़े भाई मदर भाई।
आभार व्यक्त करेंगे। मैं आप सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।